सभी छात्र ध्यान दीजिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अभी अभी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया है और इसे आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और इस प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ और कौन सा कॉलेज सेलेक्ट हुआ है ये भी जानकारी दी गई है। तो ये सभी देख लीजिए, इसमें अगर किसी प्रकार की गलतियाँ हैं तो आपको क्या करना है, इससे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इस वीडियो में बताएंगे आप लोग मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो इसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें, इसके बाद अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करें और सबमिट करें। फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके डाउनलोड कर ले। इसके लिए सिंपली गूगल पे आना है और सर्च कर लेना है खबरी सपाटा। खबरी सपाटा सर्च करते ही फर्स्ट नंबर पे जो पोस्ट है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये पोस्ट आपके सामने आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप जब इसे ओपन करते हैं तो आपको ऐड देखने को मिलेगा, इस ऐड को क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आपके सामने नीचे आइए, सारा इंटरफेस दिया गया है, आप लोग का प्रोविजनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, सारा डिटेल में जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे चीज़ की जानकारी लेने के बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का सारा डिटेल में जानकारी दिया गया है। इसी यहीं पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है प्रोविजनल लिस्ट के लिए। जब आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग फर्स्ट नंबर पर ऊपर देख सकते हैं प्रोविजनल लिस्ट, सिंपली आप लोग को उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में ड्राइव में आ जाएगा। सिंपली इसे ओपन करना है। यहाँ पे मैं जूम करके सारा चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर तो ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है और फर्स्ट यूजी सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है 2021 से 24 वाले सेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म आईडी दिया गया है, स्टूडेंट का नेम, फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और इसके बाद आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कौन सा स्टेट से हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट में दिया गया है नाम, स्ट्रीम क्या है, इसके बाद कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आपका नाम सेलेक्ट कर दिया गया है वो कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद कॉलेज कोड दिया गया है और आपका ऑनर्स क्या है ये भी दिया गया है और प्रेफरेंस क्या है वो भी आपको दे दिया गया है। अब समझिए कि आप लोग जब इतना जारी हो चुका है तो आप अपना नाम कैसे सर्च करके देखेंगे। तो देखिए ड्राइव में सेव होने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म जो एप्लीकेशन नंबर है सिंपली उसे लेना है और टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रेड होके आ जाएगा, सिंपली इसे जूम करना है और आपको देख लेना है कहीं पे अगर कुछ गलतियां हैं तो इसके लिए 26 से यानी आज से लेके और कल तक यानी 27 तक आप लोग को जो भी गलतियां हैं इसमें अगर चाहे तो सुधार कर सकते हैं खुद से। इसके लिए हमने पहला प्रॉपर वीडियो इस पे दिया है, कैसे आप लोग को एडिट करना है सारा चीज़ का जानकारी। आगे आने वाले वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आप लोग को प्रोविजनल लिस्ट में अगर आपका नाम, पिता का नाम या माता का नाम या किसी प्रकार की गलतियां हो चुकी है, किसी कारण से आप लोग का कैटेगरी चेंज हो गया है या कुछ भी हो गया है तो उसे आप लोग कैसे सुधार पाइएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि आप लोग प्रोविजनल लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन छात्रों तक जिन तक अभी प्रोविजनल लिस्ट के बारे में जानकारी नहीं पहुँची है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।